पहले बाद खेल पुरस्कारों की इस साल के खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और जीतू राय को दिया जाएगा। खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि रियो ओलंपिक में जो भी पदक जीतेगा उसे खेल रत्न के लिए चुना जाएगा। साक्षी मलिक ने रियो में कांस्य पदक जीता था, वहीं सिंधु ने बैडमिंटन में महिला एकल का रजत पदक जीता था। ये पहली बार है जब चार खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया जाएगा। इससे पहले साल 2009 में 3 खिलाड़ियों को खेल रत्न के लिए चुना गया था। इसके अलावा 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार 29 अगस्त को यानी खेल दिवस के मौके पर दिए जाएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्वागत है आपका। खेल पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि पहले ही नाम अनाउंस कर दिया था उन्होंने, दीपा कर्माकर को ये पुरस्कार दिया जाएगा, जीतू राय को दिया जाएगा, और उसके बाद जब पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने पदक जीत लिया तो अब चार खिलाड़ियों को यहाँ पर खेल पुरस्कार इन्हें देना पड़ रहा है।